नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर। आजमगढ़ के बिलरियागंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय तेजपुर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि घनश्याम सिंह पटेल द्वारा माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। तत्पश्चात गीतकार विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती वंदना जयति जयति माँ जयति सारथी वीणावादिनी नवल राग दे प्रस्तुत की गई। कवि महेंद्र मृदुल ने आय वतन तू गुलिस्ता की वो फूल हो देख तुझको कयामत तरसती रही अपनी गजल से वाह वाह लूटी। गीतकार जय हिंद सिंह हिंद ने देश हमारा सबसे प्यारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहिए सदा आबाद रहे सुनाकर श्रोताओं में जोश भर दिया। कवि दिनेश कनौजिया द्वारा हम भारत के केसरी जवान बानी भारत माता के अजरक किसान बानी सुनाकर वाहवाही लूटी। सोच जिस दिन बनी पशु बना आदमी कवि विजय प्रताप यादव ने सुनाकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कवि रोहित ने देखते देखते क्या असर हो गया गांव था जो मेरा अब शहर हो गया महफिल की लूटी महू में पधारी आशा सहानी द्वारा जाने कितने कस्मे वादे खाते हैं मर मिटने की बोलो सच में यही भाव क्या रख पाते हो दिल में सुनाया गया। गजलकार राजनाथ राज ने चलो फिर से उजड़ा घरौदा बनाए तिनका चलो चुनके लाए सुनाकर समा बांध दिया। कवि राजकुमार आशीर्वाद ने अपनी ओज रचना से जोश भर दिया। हास्य कवि शैलेंद्र राय अटपट ने ससुरे में बहुत ही सुतार बा सजना गंवार बायना सुनाकर लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि बालधीन बेसहारा ने आज कहर बच्चा जातिवाद से ग्रस्त था तब बतावा ये कैसन 15 अगस्त था सुनाकर पूर्ण आज़ादी न मिल पाने पर प्रश्न खड़ा किया। कार्यक्रम का संचालन जय हिंद सिंह हिंद ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रविन्द्रनाथ सिंह ग्राम प्रधान राम प्यारे यादव विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं ग्राम सभा के कई मानिंद उपस्थित रहे। झुटाकर सर तेरी मोहब्बत का हम ऐतराज करते हैं आज से नहीं मेरे दोस्त अभी से जिंदगी अपने हिंदुस्तान के नाम जोरदार ताली का आशीर्वाद कहना है। एक वक्त का मारा प्रदेश जाता है लेकिन वहां से अपने देश के लोगों के खाते हैं मर मिटने की जाने कितनी कसमें खाते हैं मर मिटने की बोलो सच में यही भाव क्या दिल में भी रख पाते हो बोलो सच में यही भाव क्या दिल में भी रख पाते हो। एक ही प्रश्न